हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है जो मैं आपको दो कलर के धागे में जो ये डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को जो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको ये डिज़ाइन बुन के दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फंदे लगा दिए हैं, और फंदे लगाने के बाद है जो मैंने यहाँ पे दो रो सुलटी और दो रो उल्टी बुनी है। इसके बाद है जो मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे जो मैं राइट साइड से जो आपके यहाँ पे दूसरे कलर का धागा लगेगा, तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरे कलर का धागा लगा रही हूँ। तो पांच फंदे जो मैं इस कलर के धागे से निकालूंगी, 2 3 4 रिक 5, पांच फंदे निकाल दिए, और तीन फंदे जो मैं बगैर बुने ही ऐसे निकालूंगी। फिर रिपीट पैटर्न, 8 फंदे का जो मेरे ये डिजाइन है, तो रिपीट पैटर्न और 5 फंदे और मैं दोबारा से बुन के निकालूंगी। 1 2 3 4 5, पांच फंदे निकाल दिए हैं और तीन फंदे मैं बगैर बुने ही निकालूंगी, और फिर पांच फंदे मैं बुन के निकालूंगी। ये मेरी राइट साइड से जो ये आपके दूसरा कलर लगेगा। तो अब मैं बैक साइड आ गई हूँ। बैक साइड से देखिए, पहला फंदा स्लिप किया, फिर आपने धागा जो आगे कर देना है। ये इसको जो आपने बैक साइड से भी आपने ये पांच फंदे जो आपने ये सुलटे बुनने हैं इस तरह से। फिर धागा आपने साइड किया, ये आपने राइट साइड से ये फंदे स्लिप किए थे, तो ये आपने बैक साइड से भी स्लिप कर देने। फिर धागा आगे किया और पांच फंदे फिर आपने उल्टे बुनने हैं। फिर धागा अपनी साइड लाया और तीन फंदे को आपने बगैर बुने ही स्लिप कर देना है। फिर धागा आगे ले गए और पांच फंदा आपने दोबारा से उल्टा बुन देने। धागा अपनी साइड लाया और लास्ट वाला फंदा जो इस तरह से आपने निकालना है। तो ये देखिए, अब मेरी ये थर्ड रो है। थर्ड रो देखिए, धागा अपनी साइड लाया और थर्ड रो में भी जो जैसे फंदे दिखते हैं वैसे ही आपने बुन के ले जाने हैं। ये राइट साइड से आपने पांच फंदे जो उल्टे बुनने हैं, फिर धागा आगे किया और तीन फंदे आपने बगैर बुने स्लिप कर देना। फिर धागा अपनी साइड किया और फिर आपने पांच फंदे जो ये बुन के निकालने हैं। 1 2 3 4 5, पांच फंदों को आपने ये जो उल्टा बुनना है। फिर धागा आगे किया और तीन फंदे बगैर बुने ही स्लिप कर दिए। धागा अपने साइड लाया और फिर आपने पांच फंदे को उल्टा बुनना है। ये मेरे राइट साइड से हो गए। अब देखिए, अब बैक साइड से भी आपने वैसे ही बुन के ले जाने हैं। पांच फंदे, धागा आगे किया और इसको आपने सुलटा बुनना है। बैक साइड से आपने ये फंदे जो सुलटे बुनने हैं, फिर धागा अपने साइड किया और तीन फंदे बगैर बुने ही स्लिप कर देने हैं। फिर धागा आगे किया और आपने पांच फंदे सुलटे बुने। फिर धागा अपनी साइड लाया और तीन फंदे बगैर बुने स्लिप कर दिए। फिर धागा आगे ले गए और पांच फंदे को और सुलटा बुना। चार फंदे सुलटे बुने और लास्ट वाला फंदा धागा अपने साइड लाया और उल्टा बुना। तो ये देखिए इस तरह से। अब है जो आपने सारे फंदों को जो व्हाइट धागे से बुन देना है। ये देखिए, अब जो पूरे फंदे जो मैं सुलटे सुलटे ही व्हाइट धागे से बुन के ले जाऊंगी। जो पांच तीन फंदे आपने ये स्लिप कर रहे थे, इसको भी अब आपने बुन के ले जाना है। ये पूरी रो आपके राइट साइड से सुलटी ही बुन के जाएगी।
ये हो गई। अब बैक साइड से भी पूरी रो ये उल्टी उल्टी ही बुन के जाएगी। इस तरह से ये देखिए, अब मैं राइट साइड आई हूँ। राइट साइड से अब देखिए, मेरे यहाँ से जो पांच फंदे यहाँ से बने, एक फंदा यहाँ से लेना है और एक फंदा यहाँ से लेना है, तीन फंदे जो मेरे ये आएंगे। तो यहाँ पे जो मेरे तीन फंदे ये वाइट आएंगे और ये वाला यहाँ पे मेरे ग्रीन आएगा, और इन तीन फंदों को जो मैं बगैर बुने ही स्लिप कर दूंगी। सेम पैटर्न जैसा आपने यहाँ किया था वो यहाँ दोहराना है, सिर्फ आपके तीन फंदे ये जो आपने बगैर बुने स्लिप करे वो आपने चेंज करने हैं। तो यहाँ देखिए वो तीन फंदे मेरे यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे जो मैं पांच फंदे बुन के निकालूंगी, एक दो तीन चार पांच, तीन फंदे जो वो आएंगे मेरे जो पहले रो में जो बगैर बुने ही स्लिप किए थे, और एक एक फंदा जो इनका राइट और लेफ्ट से अरे परे से आएगा। अब यहाँ तीन फंदे में बगैर बुने ही स्लिप कर दूंगी और पांच फंदे यहाँ पे मैं बुन के निकालूंगी, तीन चार पांच, पांच हो गए और तीन फंदे यहाँ पे बगैर बुने ही स्लिप हो गए इस तरह से। अब मैं बैक साइड आ गई हूँ। बैक साइड से देखिए, ये तीन फंदे पहले वाले बगैर बुने ही स्लिप हो गए, और फिर यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे ताकि आपके होल ना हो, इस तरह से जो आपने ये फिर धागा आगे किया और फिर आपने पांच फंदे जो बैक साइड से सुलटे बुनने हैं। धागा आपने साइड किया और तीन फंदे जो बगैर बुने ही निकाले, फिर धागा आगे किया और पांच फंदे आपने सुलटे साइड बुने, सुलटे बुने और बैक साइड से सुलटे बुने, और धागा आपने साइड किया और तीन फंदे बगैर बुने ही स्लिप कर दिए। लास्ट वाला फंदा ये आपने सुलटा ही बुन देना है, उल्टा ही बुन देना है। अब राइट साइड आ गई हूँ। राइट साइड से देखिए, पहला फंदा स्लिप किया और ये तीन फंदे जो बगैर बुने ही यहाँ स्लिप हो गए, और धागा आपने साइड किया और अब आपने पांच फंदे जो ये उल्टे बुनने हैं। पांच फंदे उल्टे हो गया तो फिर धागा आगे किया और तीन फंदे ये सुलटे निकाले, धागा अपने साइड किया और फिर दोबारा से पांच फंदा उल्टा, फिर धागा आगे किया और तीन फंदा ये बगैर बुने ही स्लिप किया। फिर बैक साइड से तीन फंदा ये जो बगैर बुने ही स्लिप कर देना है, और फिर यहाँ पे आपने फिर दोबारा से इस तरह से जो फिर धागा आगे ले जाना, और पांच फंदे जो आपने सुलटे बुनने हैं, तीन चार एक पांच, पांच हो गए, धागा अपनी साइड लाया और तीन फंदे को बगैर बुने स्लिप किया, धागा आगे ले गए और फिर दोबारा से पांच फंदे सुलटे बुने, फिर धागा अपनी साइड लाया और तीन फंदे को आपने बगैर बुने स्लिप कर दिया, और लास्ट वाला फंदा जो उल्टा बुना। अब राइट साइड आ गई हूँ। राइट साइड से देखिए, अब आपने पूरी जो रो है ये वाइट से बुन के ले जानी, पूरे फंदे जो आपने अब आपने वाइट से निकालने हैं, जो स्लिप करे हुए वो भी और बाकी ग्रीन वाले भी, सारी रो ये जो राइट साइड से और बैक साइड से दो रो जो आपके व्हाइट धागे से जाएगी। इस तरह से जो आपका ये डिजाइन दिखेगा, ये देखिए इस तरह से आपके ये डिजाइन दिखेगा।
और अब जो बैक साइड से भी आपने ये पूरी रो उल्टी उल्टी ही बुन के ले जानी है। और इस तरह से देखिए ये डिज़ाइन मेरा कंप्लीट हो गया है। और जो आपका डिज़ाइन है वैसा जो आपका डिज़ाइन दिखेगा। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को लाइक करना है और साथ में कमेंट करना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट ही नहीं कर रहे कि आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आ रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट करना कि आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं वो देख करके अनदेखा मत करना, प्लीज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन है जो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।